सोशल वर्कर का ज़्यादा बड़ा पार्ट है, क्योंकि मैं राजनीति में आने से पहले भी मैं सोशल वर्कर रहा हूँ। और जब 2012 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था काउंसलर का, तो मैं बहुत भारी मतों से चुनाव जीता था उस समय भी, तो सिर्फ इस वजह से हुआ था कि सोशल वर्कर था। देखिए, सोशल वर्कर जब मैं था, तो उसके बाद काउंसलर का जब 2012 के अंदर चुनाव हुआ, तो उसके बाद लगातार लोगों के साथ संपर्क रहा, और उसी के तहत आम आदमी पार्टी से जब मैं 2015 में चुनाव लड़ा, तो लगभग 35,000 वोटों से इलेक्शन जीता। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सोशल वर्क पहले भी कर रहा था और आज भी सोशल वर्क करता हूँ। देखिए, उत्तम नगर विधानसभा पूरी दिल्ली की पहली ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी है जिसके अंदर 100% सीवर लाइनें हम लोगों ने डलवाई हैं, और जहाँ पानी के टैंकर जाते थे, वहाँ पानी की लाइन से आज पानी जा रहा है, क्योंकि हमने चुनाव के अंदर कमिटमेंट किया था। इसके अलावा अभी 19 कॉलोनियों का उद्घाटन अभी लास्ट वीक मैंने किया है, रोड और नालियाँ बनवाने का, और लगभग 18 कॉलोनियों का उद्घाटन अभी आचार संहिता लग गई, लेकिन उसको मई के अंदर हम लोग काम शुरू कर देंगे। उत्तम नगर विधानसभा के अंदर एक भी रोड नाली ऐसा गली नहीं बचेगी जहाँ रोड और नालियों का काम ना हो। सीवर की लाइनें डल चुकी है, पानी पीने के पानी की लाइनें डल चुकी है। जो एज MLA मेरे को काम करवाना चाहिए था, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं। देखिए, पूर्ण राज्य का BJP का मैनिफेस्टो आप उठा के देखिए, और पिछले लगातार 93 से लेकर अब तक का जो 20-25 साल का जो टाइम गया है, हर बार BJP के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये होता था कि भाई दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। अब मोदी जी की सरकार बनी, 700 सांसद दिल्ली के लोगों ने चुन के दिए, और उसके बावजूद भी आज पूर्ण राज्य के ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने अभी एक बड़ा मुद्दा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दें, हम लोग चुनाव के अंदर लेके जा रहे हैं ताकि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिल सके। देखिए, जन लोकपाल बिल हमने विधानसभा के अंदर जब हमारी सरकार बनी, तो शायद पहले सेशन के अंदर ही हमने जन लोकपाल हमने पास किया, और जन लोकपाल पास करने के बाद आज भी वो फाइल LG और राष्ट्रपति के पास पड़ी है, वो वहाँ से उस फाइल को मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। देखिए, उसको भी हम इस चुनाव के अंदर पूरी तरीके से कि जो जो हमने विधानसभा के अंदर जो जो बिल पास किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे, उसकी मंजूरी दे, ताकि हम लोगों को जो कमिटमेंट हमने लोगों से कहा था, हम उसको पूरा करें। देखिए, नोटबंदी से तो सिर्फ देश को नुकसान हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कहाँ काला धन आया। पहले कह रहे थे, दरअसल इनका सोचना ये था BJP वालों का कि लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास की करेंसी थी, तो उसमें 10-11 लाख करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे, और बाकी 5 लाख करोड़ का तुम शोर मचा देना कि हम काला धन वापस ले आए, काला धन वापस ले आए। और काला धन वापस नहीं आया, बल्कि जितना 15 लाख के आसपास करेंसी थी, वो सारा का सारा 99.9 पैसा जमा हो गया। अभी नेपाल और भूटान का पैसा जमा होना है, तो नोटबंदी तो बिल्कुल फेल हो गई इनकी। देखिए, RBI का आंकड़ा है, तब उन्होंने खुद माना है कि भाई इतना परसेंट पैसा वापस आ गया है, और वो सारा एक नंबर में वापस आया है, तो कहाँ है काला धन जो पीछे मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस लेके आएंगे। और ये इनका ड्रामा था कि भाई इसको जो 3-4 लाख करोड़ रुपये बच जाएंगे तो उनको कह देंगे काला धन आ गया, लेकिन वो नोटबंदी पूरी तरीके से फेल हो गई। नहीं नहीं नहीं, देखिए, कुछ भी एक भी चीज़ अगर ये अपनी गिनवा दे कि इन लोगों ने ये किया है, सिवाय आपस में नफरत बंटवाने का, जैसे महाराष्ट्र में मराठा वर्सेज अदर कर दिया, हरियाणा में जाट वर्सेज अदर कर दिया, और जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते थे वहाँ इन लोगों ने ये किया है, तो इसके अलावा कोई नहीं है। इनको सिर्फ अपना राज करने से मतलब है, कोई कुछ होता रहे देश के अंदर, कोई चिंता नहीं है लोगों को। देखिए, हमारे पहले 44 सैनिक हमारे मरे, उसके बाद हमारे 2 प्लेन क्रैश हुए, एक क्रैश हुआ और एक अभिनंदन वाला था, उसके अलावा लगभग 18 लोग उस पीरियड के 20-25 दिन के अंदर जो कश्मीर में हुआ वहाँ मरे। तो 44 एक डेथ हुई, 18 एक डेथ हुई, एक प्लेन क्रैश हो गया, एक पायलट हमारा पकड़ लिया, और मोदी सरकार कह रही है कि जश्न मनाओ, मोदी सरकार कह रही है जश्न मनाओ, पाकिस्तान का एक भी नहीं मरा, सारा BBC ने, सारी इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया, कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, और ये कह रहे हैं जश्न मनाओ। BJP के प्रदेश अध्यक्ष सेना की ड्रेस पहन के, BJP का पटका गले के अंदर डाल के रैली निकाल रहे कि जश्न मनाओ, ये कैसा जश्न। देखिए, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं।